हेलो गाइस, आज स्वागत है एक नई वीडियो में। बहुत काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो आ पाई है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फॉर सेलिंग में लाइट लगी होती है, 4x4 की भी आती है, 6x6 की भी आती है। तो ये 4x4 की लाइट हमारे पास है, जिसको पैनल भी बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आती है, इसलिए ये ख़राब हो गई है। तो कुछ सोच रहे हैं इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें से हम आपको एक जो हमारे पास लाइट है, इसको यहाँ पर हम इसका जो ड्राइवर लगा होता है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारी दिक्कत होती है वो ड्राइवर से ही होती है। कभी कभी जो होती है वो लाइट ख़राब होती है, लेकिन ज़्यादातर ड्राइवर ख़राब होता है। तो यहाँ पे ड्राइवर हम चेक करेंगे कि यहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सबसे पहले हमारा जो एक रेजिस्टर लगा होता है यहाँ पे, जो मेन सप्लाई, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट देते हैं, वहाँ पे एक हमारा रेजिस्टर जो लगा होता है, सबसे पहले तो उसको हम चेक करेंगे कि ज़्यादातर क्या होता है, लाइट तेज़ आने से वही हमारा शॉर्ट हो जाता है, इसी वजह से हमारी लाइट जो होती है वो नहीं चलती, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू वायर से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसको इस तरह से, तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टर हमारे देख सकते हैं, रेजिस्टर ब्लू वायर से लगी हुई है, तो यहाँ पे लाल पे रखेंगे, और एक हमारा रेजिस्टर का जो दूसरा पोल होगा डायरेक्ट वाला, वहाँ से रखेंगे, तो हमारी एलईडी जो है वो जल रही है, ठीक है। नहीं, जो हमारा पैनल है वो सही है, जो हमारा ड्राइवर है इसी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर इसी तरह से सारी लाइट के हम जो ड्राइवर हैं, यही ड्राइवर का इस्तेमाल करके सारी लाइटें चेक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 4 लाइटें हैं और 4ों को हमको रिपेयर करना है। सबसे पहले हम ये कन्फर्म कर लेते हैं, ये देखें, तो ये हमारा कंफर्म हो जाए कि हमारी जो ड्राइवर है वही ख़राब होता है, सारी लाइटें जो नहीं जल रही इसी वजह से नहीं जल रही, ठीक है। तो हमने 2 लाइट को चेक कर लिया है, उसके बाद तो इसको हम अलग रख देते हैं। उसके बाद तीसरी लाइट है, उसके बाद चौथी सारी लाइट हमें क्या करके चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर जो होता है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर पूरा तो एकदम सब काला हो चुका है, ऐसा लग रहा है काफ़ी तेज़ धमाका इसके अंदर हुआ है। और दूसरा हम इसी तरह सारे के सारे ड्राइवर खोल के चेक करेंगे कि हमारे ड्राइवर ही, ये देखिए दोनों हमारे ड्राइवर जो निकले हैं इसी तरह से सेम कंडीशन के निकले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो उसको हम यहाँ पे जो होंगे उसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपके एलईडी जो होती है, ये देखिए यहाँ पे तो कैपेसिटर फटा हुआ है, और उसके बाद अरे बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको एक रिपेयर, एक वीडियो हम जो डाल रहे हैं अभी आपको रिपेयर करने के लिए, तो आपको जो हमारे पास एलईडी लाइट आती है 7 वाट की, 9 वाट की, जो उसमें प्लेट निकलती है, उसमें से हम कुछ जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर काफ़ी तेज़ दग गया है इसके अंदर, ये देखिए। तो कैपेसिटर को हम चेंज कर लेंगे, जो भी होगा हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग पहले इसको रिपेयर करवाने की कोशिश करें, क्योंकि नया पैनल हमारा आता है कम से कम 350-400 रुपये में, और इसको रिपेयर करने में मात्र हमको 20-25 रुपये खर्च आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो नंबर एक पे हमारा क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम निकाल के चेंज करेंगे, ठीक है। और चेंज करेंगे तो लाएंगे कहाँ से वो भी हम आपको बता देते हैं। जो हमारे पास जो एलईडी वगैरह जो होती हैं, एलईडी है जिससे 7 वाट की, 9 वाट की, 10 वाट की, सारी एमएल की, तो उसकी जो हमारी ड्राइवर होता है उसमें हमारे पास लगी होती है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ से निकाल लिया रेजिस्टेंस को, और उसके बाद इसमें हम फिटिंग कर देंगे। इसको पहले हम सीरीज में चाहें तो चेक कर सकते हैं, या फिर इस मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया, तो अब इसको यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं। कहिया की मदद से आप अच्छे से सोल्डिंग कर देना, क्योंकि यहीं से अगर लूज भी रहता है तो आप ही हमारी लाइट जो होती है वो बिलिंग कर सकती है। तो इस वजह से इसको अच्छे से रंगे से हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद सोल्डिंग करने के बाद हम इसको पैक करेंगे, फिर से जला के चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सोल्डिंग कर दी। उसके बाद जो हमारा पैनल है, जो उसको हम लगा के यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पैनल नीचे वाला लगा हुआ, ये जल गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा जल रहा है, जो आपको ब्लर दिख रहा होगा, बिलिंग जैसा लगता है कि यहाँ पे बिलिंग कर रहा है, तो बिलिंग नहीं कर रहा है वो, कैमरे में अक्सर ऐसा होता है जो हमारे बिलिंग दिखाता है। ये देखिए अब इसकी नीचे रोशनी देख सकते हैं, कोई बिलिंग नहीं है, यहाँ पर बिलिंग दिख रहा है, लेकिन इसको जब नीचे की रोशनी दिखाएंगे तो बिलिंग नहीं होगा, क्योंकि वजह इसकी ये होती है, जो हमारी रोशनी जो कैमरे पड़ती है तो कैमरा हमारा ब्लैक करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से पैक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको आप चाहें तो टेप से पैक करें, वो आपकी मर्ज़ी है, फेविक्विक लगाएं, टेप लगाएं, हालांकि हम टेप लगाएंगे क्योंकि अगर दोबारा खोलना पड़े तो हम इसको आसानी से फिर से रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम एक बार फिर से चेक करने आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको हम अच्छे से लगा के आपको एक दो बार फिर टेस्ट करा दें, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे प्लग को लगा देते हैं। ये देखिए हमारा अब यहाँ पे देख सकते हैं रोशनी बिलिंग कर रही है, लेकिन जब इसकी रोशनी नीचे करते हैं तो बिलिंग नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी हो चुकी है पैनल रिपेयर। इसी तरह सारे पैनल हमारे हो जाएंगे रिपेयर, जो भी इसमें जो कंपोनेंट ख़राब है उनको हम चेंज कर लेंगे LED से निकाल के। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसीलिए हम वीडियो लाते रहते हैं इसी तरह की। ठीक है, सारी हमारी LED जो हैं वो रिपेयर हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने हमने एक को रिपेयर करके दिखा दिया है, बाकी हमारी सारी की सारी रिपेयर हो चुकी हैं, हमने उनको रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको चारों के चारों लाइट को हम एक में कनेक्शन करके आपको एक बार जला के दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सारी की सारी LED हमारी जो है वो पैनल वो रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए सब के सब पैनल हमारे रिपेयर हो गए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं।